क्लास 11th वर्क एनर्जी एंड पावर, ये एक चैप्टर है। इसमें वर्क और एनर्जी से रिलेटेड आर्टिकल्स, न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके न्यूमेरिकल्स को देखिए, एक बार में ना समझ में आए तो उसको दोबारा वीडियो देखिए। ये तो बड़ा अच्छा चांस है आपके लिए कि आपके पास पूरा मौजूद है, दोबारा देख लीजिए। समझना ज़रूरी है, जब क्योंकि जब कभी केवल बोलते रहे टीचर, आप सुनते रहे, तो क्लास में ये होता है टीचर बोलता रहता है, लड़के सुनते सुन रहते हैं, फिर दोनों का अलाइनमेंट ख़त्म, लड़के का दिमाग पीछे, टीचर आगे बोलता है, तो कहाँ से समझ में आएगा, फिर छूट गया, नहीं समझ में आएगा। यही परेशानी होती है पढ़ाई में। यहाँ पर आपने देखा कि हम जो आपको बता रहे हैं विद एक्शन, बोर्ड पर दिखा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ये फार्मूला याद करो, ये कब लगता है, ये दिखा रहे हैं, कई दो एक बार देखो तो क्लियर हो जाएगा, सिस्टेमेटिक है। तो इसका एडवांटेज लीजिए, और ये आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स लगाने में, थ्योरी याद करने में, यह समझिए कि आपके लिए वरदान हो जाएगा। तो अब हम आपको एक और प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं, और वो है एनर्जी से रिलेटेड, वर्क एनर्जी से रिलेटेड। हमने एक बात बताई है, वो ज़रूर याद रखना कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स न लगा हो सिस्टम पे, याद कर लो, फ्रिक्शनल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा हो तो कंजर्वेशन या आप एनर्जी से न्यूमेरिकल लगा लेना। पिछले उसमें बताया था KF प्लस UF इजकल टू KI प्लस UI, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो वर्क डन इजकल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी से लगाओ। हम आपको एक और प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं, ये IIT लेवल का है। इसमें यह है कि फ्रिक्शन है और एक चेन किसी मेज पर रखी हुई है और थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया जाए तो गिरेगी, तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी। बोर्ड पर देखिए,